नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वॉल इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया को अलविदा कहे कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन फैंस अभी भी इस कलाकार के लिए न्याय मांग रहे हैं। अभी भी इस कलाकार को याद कर इमोशनल हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर तो रोज का कोई ना कोई हैशटैग ट्रेंड करता दिख जाता है। अब एक कदम आगे बढ़ाकर सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी पर फिल्म बना दी गई है। मेकर्स ने ऐसा क्लेम नहीं किया, लेकिन टीजर देख सभी ने ये अंदाजा लगाया है। देखिए ये रिपोर्ट। सुशांत पर बनी इस फिल्म का नाम न्याय द जस्टिस रखा गया है। फिल्म में सुशांत के किरदार का नाम महेंद्र है और इस रोल के लिए जुबैर के खान को कास्ट किया गया है। वहीं टीजर में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती भी दिखाई दे रही हैं। मेकर्स ने इस फिल्म में रिया को उर्वशी का नाम दिया है और इस रोल में श्रेया शुक्ला को देखा जा सकता है। टीजर में दिखाया जा रहा है कि एक एक्टर आत्महत्या कर लेता है और उसके बाद कैसे जांच एजेंसियां इस भंवर जाल में फंस जाती हैं कि ये सुसाइड है या आत्महत्या। न्याय के टीजर में अमन वर्मा, असरानी और शक्ति कपूर को भी अहम रोल दिया गया है। इस फिल्म का डायरेक्शन दिलीप गुलाटी ने किया है और इसको लेकर काफी बवाल भी रहा है। बताया गया है कि इस फिल्म को बनाया जरूर गया है, लेकिन सुशांत के परिवार से किसी भी तरह की परमिशन नहीं ली गई है। मेकर्स की दलील है कि सुशांत का केस पब्लिक डोमेन में है, ऐसे में किसी की इजाजत का सवाल नहीं उठता। अब टीजर तो रिलीज कर दिया गया है, लेकिन इसे रिस्पांस कुछ खास मिलता नहीं दिख रहा। सुशांत के तमाम फैंस इस टीजर को असंवेदनशील बता रहे हैं। उनकी नजरों में जब अभी तक जांच पूरी नहीं हुई तो इस पर फिल्म कैसे बनाई जा सकती है। लेकिन मेकर्स को इस ट्रोलिंग से फर्क नहीं पड़ रहा और वो फिल्म को 11 जून को रिलीज करने वाले हैं। फिल्म घोषणा के साथ से ही विवादों में आ गई थी। खुद को सुशांत सिंह राजपूत का फैन बताने वाले मनीष मिश्रा नाम के समाज सेवी ने पहले डिंडोशी सिविल कोर्ट और वहां से खारिज होने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में फिल्म पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका लगाई थी। उन्होंने फिल्म पर तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने और सुशांत की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया था। इसे लेकर हाईकोर्ट ने मिश्रा से पूछा था कि वो ये कैसे जानते हैं कि मेकर्स फिल्म में क्या दिखाने वाले हैं। हालांकि टीजर की ओपनिंग काफी धमाकेदार है। शुरुआत में ही मशहूर एक्टर महेंद्र सिंह की मौत ब्रेकिंग न्यूज से होती है, जो अपने घर पर आत्महत्या कर लेता है। टीजर में आगे ये भी दिखाया गया है कि कैसे भारत की तीन सबसे बड़ी जांच एजेंसियां ये पता लगाने के लिए काम कर रही हैं कि उसकी मौत आत्महत्या है या योजनाबद्ध हत्या। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉल इंडिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज वॉल इंडिया।